ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज आदिशक्ति माँ दुर्गा के द्वितीय रूप को ब्रह्मचारिणी कहते हैं। ब्रह्म का अर्थ है आचरण चारिणी, आचरण करने वाली, वेद तप का आचरण करने के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। कहते हैं कि जैसे प्रथम नवरात्रे में इनके प्रथम रूप का शैलपुत्री का पूजन किया जाता है, तो इन्होंने पर्वतराज की पुत्री थी जब, तो भगवान शंकर ने इनकी जन्म कुंडली देख करके बताया था कि इन्हें भगवान शंकर की प्राप्ति होगी। और जिस समय जहां उन्होंने आकाशवाणी की थी, तभी से इन्होंने घोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। और तपस्या भी ऐसी कि हजारों वर्षों तक इन्होंने पत्ते खाकर ही तपस्या की। और उसके बाद पत्ते खाना भी बंद कर दिए और घोर तपस्या जब इन्होंने की, तो देवताओं ने भी इन्हें भर दिए कि तुम्हें शीघ्र अति शीघ्र भगवान शंकर की प्राप्ति होगी। और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के इन्हें भर दिया। और जह भगवती शैलपुत्री अपने पिता के घर चली गई। तो इन्हीं जो द्वितीय नवरात्रे में शैलपुत्री का जो पूजन किया जाता है, इनका विशेष जो दाहिने हाथ में माला है, बाएं हाथ में कमंडलू है, क्योंकि जह तपस्या की ही अधिष्ठात्री देवी हैं। इस दिन तपस्या करने से, इनका पूजन करने से अत्यंत शीघ्राति शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। जैसे कोई विद्यार्थी हैं तो उन्होंने विद्या के लिए करना है, तो कहते हैं कि पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, जहां श्वेत वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, करके तो इनका पूजन किया जाए, तो शीघ्राति शीघ्र उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे कहते हैं कि जा देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। और जैसे किसी की कुंडली में पितृदोष है इत्यादि जो दोष होते हैं, उनके निवारण हेतु भी माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप शैल रूपिणी का बीज मंत्र है, ओम श्रीम हरीम अंबिकाजी नमः। इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और इसका जप करने से शीघ्राति शीघ्र उनकी हर एक मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। जय माता।